नमस्कार दोस्तों। तो आज हम दर्शपर्णी अर्क के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कि प्राकृतिक खेती में कीट नियंत्रण के रूप में के काम में लाया जाता है। कीट नियंत्रण इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के काम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। इसके नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि दर्शपर्णी अर्क है, तो इसका मीनिंग ये है कि दर्श का मतलब हो गया कि दस, पर्ण हो गया पत्ते, और अर्क हो गया कि उन पत्तों का एक्सट्रैक्ट, उन पत्तों से जो भी जूस निकलेगा उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसी को अर्क के रूप में हमें इस्तेमाल करना है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए या कीट नियंत्रण के लिए। तो आप अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ये किस तरह के कीट को नियंत्रण करता है। तो पहला जो ये जो रस चूसक कीट है या जो सकिंग पेस्ट है, जिस तरह जो भी सकिंग पेस्ट है या जो चूस के जैसे एफिड्स हो गए या टिप्स हो गए या जैसिड्स हो गए, अभी ये रस चूसक कीट है, इन्हीं को ये मैनेज करता है, इन्हीं को ये नियंत्रण में लाता है, और इसके साथ साथ जो सभी तरह की इल्लियां हैं उसको भी ये नियंत्रण में लेता है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। पहले हमें जो सामग्री या इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए इसको बनाने के लिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो पहला नंबर है पानी का, पानी हमें 200 लीटर चाहिए, और दूसरा गौमूत्र हमें चाहिए 20 लीटर। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ये 10 तरह के पौधे जो हमें इसको बनाने के लिए चाहिए। इनके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। उससे पहले हमें गाय का गोबर चौथे नंबर पे 2 किलोग्राम चाहिए, तीखी हरी मिर्च या ग्रीन चिली 1 किलोग्राम, हल्दी पाउडर टर्मरिक पाउडर 500 ग्राम चाहिए, हींग एस्फटीडा इसको 10 ग्राम चाहिए, अदरक या जिंजर जिसको बोल देते हैं वो 500 ग्राम चाहिए, आधा किलो चाहिए, और नीम के पत्ते ये भी 5 किलोग्राम चाहिए, और 10वें नंबर पे है देसी लहसुन की चटनी ये भी 1 किलोग्राम चाहिए, और सौंठ पाउडर 200 ग्राम चाहिए। दोस्तों इन सारी चीजों को देख के आप ये मत घबराएं कि ये क्या है, बहुत सारा इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज करेंगे। आपको अभी पहले आप सुन लीजिए, पहले अपने आप ही आपको ये दिमाग में पड़ जाएगा, ठीक है। तो 12वें नंबर पे एक और चीज है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, वो है तंबाकू पाउडर वो हमें चाहिए 1 किलोग्राम, टोबैको पाउडर जिसको बोलते हैं। अभी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप साफ से नहीं दिख रहा है, तंबाकू आप समझ गए 1 किलोग्राम हमें चाहिए, ये 12वें नंबर पे है। अभी हम बात करने वाले हैं वो जो कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, कौन कौन से बोटेनिकल्स हैं, वनस्पतियां या पेड़ हैं जो हमें, या पेड़ पौधे हैं जिनके पत्ते हमने इस्तेमाल करने हैं इस दर्शपर्णी अर्क को बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो है करंज, इन सभी की आपको अभी पिक्चर दिखाई जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ ये पौधे ना हो, इनमें से कुछ पौधे ही हों। मैं आपको 10 से लेकर 20 पौधे बता दूंगा, जिससे कि आपको आपके इलाके में जो भी ये मिले आप इन्हीं से अपना दर्शपर्णी अर्क बनाएं। पीछे मत हटना कि ये पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके तो देखो, बाकी बात की बात है। और अगर इनमें से जो मैंने बताए हैं ये भी नहीं मिले आपको, तो आपको क्या करना है कि वो वनस्पति यूज करनी है जो जिसको गाय या बकरी या भैंस या पालतू पशु नहीं खाता है, उनके पत्तों को आपको इस्तेमाल करना है। कुछ ना कुछ तो आपके उधर होगा ही, 10 पत्ते आपको वैसे इस्तेमाल करने हैं, लेकिन आपको जो मैं नाम बताऊंगा, पौधों के जो नाम बताऊंगा उनमें से आपके यहाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे और 10 हो ही जाएंगे मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए करंज की बात करें, ये भी चाहिए हमें 2 किलोग्राम, रेंड या जिसको कैस्टर बोलते हैं वो भी हमें 2 किलोग्राम चाहिए, सीताफल जिसको बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल इसके पत्ते लेने हैं, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल जिसको बोलते हैं, बेल या बेल जो बिल का पौधा होता है उसके पत्ते ले लें, इसको इंग्लिश में ईगल मार्मिलोज करके इसका साइंटिफिक नेम है या वैज्ञानिक नेम है, गेंदा या मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं, तुलसी के पत्ते आप ले सकते हैं, धतूरे के ले सकते हैं, तुलसी ओसिमम सैंक्टम है, धतूरा इनोक्सिया करके प्रजाति है, आम के पत्ते ले सकते हैं, आक या जिसको केसिया कैलोट्रोपिस भी बोलते हैं, आक ए पत्ते आप ले सकते हैं, हमें नीम के पत्ते अगर हैं आपके पास तो ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपको जो पत्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैं जैसे दरेक हो गया, लेंटाना हो गया, इन सभी की मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, या जिसको आप चड़ेल बूटी भी बोलते हैं, लेंटाना को लोकल भाषा में चड़ेल बूटी भी बोला जाता है, दरेक हो गया, लेंटाना हो गया, भांग ले सकते हैं, इनके अलावा बेरिया या बेरी का पौधा होता है जो इसमें बेर लगते हैं उसको भी, उसके पत्ते भी आप ले सकते हैं, बिच्छू बूटी भी ले सकते हैं जिसके पत्तों के ऊपर कांटे होते हैं, है ना, कांटे मतलब कि अगर वो चुभ जाए तो बड़े तकलीफ होती है, बसूटी के पत्ते आप ले सकते हैं, बणा के ले सकते हैं, कड़ी पत्ते के ले सकते हैं, इन सभी के पत्ते इसमें आप इस्तेमाल कीजिए, आपको दर्शपर्णी अर्क बनाने में सहायता होगी, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेंगे, जो भी आपको ये पत्ते बताए इनकी पिक्चर्स अगर हो आपको, कई बंदों को इनके नाम तो हैं, अगर मैंने नाम बता दिया लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सा पौधा है, ठीक है, तो चलिए उसी के अभी वहीं पे चलते हैं। ये आ गया हमारा, ये कौन सा पौधा है, अगर आप पता हो ये पौधा है हमारा कैलोट्रोपिस इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और इसका लोकल भाषा में नाम है या हिंदी में उसको बोलते हैं आकिका या कैलोट्रोपिस, या इसके पत्ते आप इस्तेमाल कीजिए,
लीजिए, एक औषधीय पौधा है, ठीक है। और दूसरा अगला पौधे की बात करें, करंज का ये पत्ता है, आप इसके देख लिए, पत्तों को ध्यान से देख लीजिए, थोड़े शाइनी से पत्ते हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट से लग रहे हैं देखने के लिए, ठीक है। करंज का पौधा है इसको, या पोंगामिया पिनाटा इसका साइंटिफिक नेम है। दोस्तों आप अभी देख लीजिए, आपको ऐसे नहीं सोचना है कि हमारे इधर ये होता नहीं तो मैं वीडियो नहीं देखूंगा, आप देखिए आपके उधर जरूर मिलेंगे, आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो आपके यहाँ होता होगा, ठीक है ना, ऐसी चिंता नहीं करनी आपने। पोंगामिया पिनाटा, मैं सारे साइंटिफिक नेम भी इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर नेट पे भी जाके देख लेंगे, इसको सर्च भी करेंगे तो आपको कई फोटोज और मिल जाएंगी जिसको आपको आइडेंटिफाई करने में मदद हो जाएगी, ठीक है। ये भी इसी की फोटो है, पोंगामिया पिनाटा की, इसके पत्तों को आप ध्यान से देख लीजिए थोड़ा, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अगर मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो आप वीडियो और लंबी खींचती चली जाएगी, ठीक है। ये आ गए, ये तो आपको नहीं देखा ही होगा, ये कौन सा पौधा है आप सोच लीजिए, मैरी गोल्ड, ठीक है, गेंदे का पौधा है, ये आपने देखा होगा। ये नेक्स्ट, ये चलते हैं बिल का, ये आ गया बिल या बेल आप भी बोलते हैं, बेल का पौधा है ये, बिल वे जिसके पत्ते शिव जी को चढ़ाते हैं। जनरली तो इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, ट्राई तीन ही होते हैं, लेकिन ये रेयर है तो इसके पांच ये भी है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, जो बिल पत्री शिवलिंग पे चढ़ती है वही वाली है बेल, इसका साइंटिफिक नेम है ईगल मार्मिलोस। अगली आगे भांग भी हो, भांग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, भांग या कैनाबिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कैनाबिस। अभी अब अनार के पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, अनार और पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट के लीव्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देख लीजिए आप, ये सारे दो दो किलो ही लेने हैं आपने हरे। अभी आ गया कैस्टर या एरंड जिसको बोलते हैं, कैस्टर के पौधा आपके देखा होगा इंडिया में काफी जगह है ये वाला पौधा, अरंडी, अरंडी का पौधा भी बोलते हैं इसको, कैस्टर भी बोलते हैं। तो इसके आप पत्ते देख लीजिए, और इसको फल इस तरह के लगते हैं, इनके पत्तों को आपको एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करने बाद में। चलिए इसकी और फोटो एक, इसको आपको आइडेंटिफाई करने में या पहचान करने में आसानी हो जाएगी। ये अभी फिर से ये आ गया रंज का पौधा ही आ गया, ये देखिए इसमें इस तरह के फूल लगते हैं, अगर आपने कहीं देखे हो। ये आ गया कनेर, ठीक है, कनेर का पौधा आ गया, और इसका मेरे ख्याल इंग्लिश नेम है ओलियंडर। तो ये कनेर का पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिलपत्री आ गई जो, ये आ गया धतूरे का, धतूरे के पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, धतूरे का ये वाइट धतूरा है ना, सफेद धतूरा, तो इसके पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं धतूरा। अगले बात करते हैं, आप अदरक के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक की चटनी तो हमने वैसे भी डालनी है, अदरक के पत्ते भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये हल्दी का पौधा है, हल्दी का पौधा है टर्मरिक का, और इसी के साथ में अदरक के मतलब थोड़े से ज्यादा इसका। चलिए अब हल्दी का टर्मरिक भी आप यूज कर सकते हैं, टर्मरिक लगी हुई है इसके पत्ते, इसके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लीव्स टर्मरिक या हल्दी पाउडर, ठीक है ना। तो चलिए अभी ये आ गई बसूटी, काली बसूटी भी इसको बोल देते हैं, इसका मुझे इंग्लिश नेम तो अभी नहीं याद आ रहा, लेकिन हिंदी इसमें जनरली लोग इसको काली बसूटी बोलते हैं। चलिए इसको इस तरह के फूल लगते हैं सफेद, जैसे नीले फूल वाली की बसूटी होती है उसी तरह ये वाली है, व्हाइट फूल लगते हैं इसको, और इसकी जो डंडी है ना ये वाली, ये इसी तरह की होती है, थोड़ी जामनी सी ब्लैकिश। चलिए ये भी एक करंज का पौधा है, इसके पत्ते देख लीजिए आप, इसको ये वाला फ्लावर, ये आगे हमारी बिच्छू बूटी, बिच्छू बूटी, और इसको स्टिंगिंग नेटल करके इसका इंग्लिश नेम है, आप नेट पे जाइए सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। इसका मेरे ख्याल साइंटिफिक नेम है जो अर्टिका डायोका करके, डायोका आपको वैज्ञानिक नाम भी बता दिया। तो चलिए ये धतूरा आ गया, ये थोड़ा ये और वैरायटी है धतूरे की, इसको मेरे ख्याल काला धतूरा बोलते हैं, काला धतूरा, ठीक है। इसके पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए पहाड़ी एरिया में लगा हुआ है कहीं, इसके पत्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मतलब वही आ गई, मतलब एक ही चीज के दो दो फोटोज इसलिए हैं जिसके आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो, आपने अगर आपने एक बार ही देखी हो कहीं तो आपको ये पता लग ही जाएगा। ये भी क्या हो गई, बिच्छू बूटी आ गई है। ये आ गया हमारा कस्टर्ड एप्पल, या जिसको बोल देते हैं सीताफल या शरीफा, कस्टर्ड एप्पल सीताफल, तो देख लिए इसके पत्ते और ये फल। फल तो जो किसी टाइम पे लगे होंगे तभी है, नहीं तो जनरली इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये धतूरे के आ गया फिर से, ये हमारा गुड़हल का पेड़ है या फूल है, गुड़हल जिसको हिबिस्कस
हिबिस्कस करके भी बोलते हैं, इसके पत्ते भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैरीगोल्ड आ गया, मैरीगोल्ड से आप समझ गए ना, मैरीगोल्ड गेंदा, ये तो जनरली कॉमनली है, हर एक जगह मिल जाता है। ये आ गया अर्जुना, अर्जुना का पेड़ है ये, अर्जुना टर्मिनेलिया, टर्मिनेलिया, अर्जुना टर्मिनेलिया अर्जुन का पेड़ है, इसके पत्ते ये, और ये फल की आप पहचान कर लीजिए, ठीक है। इसके पत्ते भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको काफ़ी पौधे बता दूंगा जिससे कि आपको मिल ही जाएंगे। ये आप पपाया के पौधे भी इस्तेमाल, मतलब पत्ते, पपाया या जिसको पपीता भी बोलते हैं, इसके पत्ते भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैंगो के पत्ते हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आम, ये तो इंडिया में मिल ही जाता है। और ये आ गया लैंटाना, ये पहाड़ों में बड़ी कॉमन है, ये बड़ी बूटी है जिसको बोलते हैं चड़ेल बूटी, चड़ेल बूटी, ये तो आपको देखा होगा, बड़ी कॉमन है सड़कों के किनारे, ये तो हर एक जगह इंडिया में फैली हुई है। बात कर लेंगे कि ये दशपर्णी अर्क है जो बनाना कैसे है। बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, बड़ी ये रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, कि आप 200 लीटर का एक ड्रम ले लीजिए, ये यहाँ पे मैं साइड को कहीं बना देता हूँ, ठीक है, 200 लीटर का। उसमें क्या करना है आपको, पहले गोबर डालना है, फिर गौमूत्र डालना है, और पानी डाल देना है 180-190 लीटर जितना आपको डालना है, जिससे घोलने के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो आपने वो डाल दिए तीनों चीजें, गौमूत्र 20 लीटर लेना है, गोबर हमने 2 किलोग्राम लेना है, और पानी 200 लीटर तो पूरा भर जाएगा ना ड्रम होता है जो 200 लीटर का, वो आप ऐसा कीजिए 180 लीटर डाल दिए या 100, टोटल हमने टोटल जब मिलाना है तो 200 कर देना है बाद में, तो उससे पहले चीजें डाल देंगे, फिर थोड़ा बहुत अगर पानी की बचा हुआ तो डाल देंगे। 200 लीटर पानी, 20 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम गोबर, इन चीजों को डाल दिया आपने तीनों चीजों को, अब इसको घोल लिया 2 घंटे के लिए, ऐसे रख छोड़ दें। फिर क्या करना है, उसके बाद आए दूसरा, अब भाई जो भी हमने चटनी चुटनियां बनाई हुई है ना, ये पाउडर बनाए हैं वो डालने, अब कौन कौन से पाउडर डालने हैं, हल्दी पाउडर डालना है, और हींग भी डालना है, और अदरक की चटनी डालनी है, और उसको 24 घोल मिला देनी है उसको, फिर आपको 24 घंटे के लिए रख देना है। फिर अगले दिन, ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे बता रहा हूँ मैं, ये चीजें आप एकदम से इकट्ठी भी डाल सकते हैं, अगर आपको प्रॉपरली करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको इसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो क्या करना है, हल्दी पाउडर डाल दिया, अदरक की चटनी डाल दी, हींग के पाउडर डाल दिया, अब 24 घंटे के लिए रख दिया। फिर अगले दिन आप आए, और आपने सुबह शाम इसको घोलना भी है। अगले दिन आए 24 घंटे के बाद, या उसी दिन अगर आपको सभी चीजें इकट्ठी मिलानी, इकट्ठी डाल दो, मैं तो कौन बार में करते रहेगा है ना। फिर क्या करना है आपको, डालनी है ठीक है हरी मिर्च, सौंठ पाउडर डालना है, ठीक है, सौंठ पाउडर हो गया जो अदरक को सुखा के जो पाउडर बनाते हैं उसी को सौंठ पाउडर, या सौंठ भी बोलते हैं इसको, सौंठ पाउडर डाल दिया, तीखी हरी मिर्च डाल दी, और आपने देसी लहसुन की चटनी डाल दी, 1 किलोग्राम ये है, ठीक है, 200 ग्राम सौंठ पाउडर है, और हमारा जो तीखी हरी मिर्च वो 1 किलोग्राम है, ये सारी चीजें डाल दी और इनको मिक्स कर दिया। अब क्या करना है, अब बचे पत्ते, और चीजें तो हमने सारी मिक्स कर दी है, तंबाकू पाउडर हमने मिक्स कर दिया, 1 किलोग्राम देखिए हरी मिर्च कर दी, देसी लहसुन और बाकी जो चीजें थी वो तो पहले से मिला दी। अब क्या करना है, 24 घंटे के लिए इसको रख दिया, मिक्स कर दिया। अब क्या करना है, ये सारी चीजें हमने एक ही टाइम पे करना है सारी चीजें। अब क्या करना है कि जो भी पौधों के पत्ते हमने 10 प्रकार के लिए हैं, चाहे वो नीम हो, चाहे वो दरेक हो, चाहे लैंटाना है, भांग है, बेरी है, बिच्छू बूटी है, बसूटी है, बना है, कड़ी पत्ता है, या जो भी आपको करंज है, एरंडा, सीताफल है, बेल, गेंदा, तुलसी, ये सारे को छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें मिक्स कर देने हैं, जिससे पत्तों के ऊपर ये सारा चढ़ जाए जो भी मिश्रण है ना। तो अब इसको, और 200 लीटर पानी तक हमने पूरा ड्रम सा भर दिया। अब 30-40, अब इसको कवर कर दे किसी कपड़े के साथ, कपड़े के साथ इसको कवर कर दे, और इसको 28 से लेके 40 दिनों के अंदर अंदर बन जाता है। वैसे आप बताए जो 30 से 40 दिन है इसके लिए आप रख दें। तो आपको क्या करना है, सुबह शाम इसको घड़ी की सुई की दिशा में घोलते रहना है, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या करना है, अब आगे इस्तेमाल करने का, मान लो आपने 30-40 दिन बाद आए आप, और अब क्या करना है इस ड्रम को 30-40 दिन बाद, वैसे तो सुबह शाम इसको घोलते रहना है ना, 30-40 दिन हो गए। अब उसके बाद क्या करना है कि इसको 200 लीटर पानी, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना, अब इसमें से आप 8 लीटर लीजिए, ये सारी सामग्री है एक एकड़ के लिए, एक एकड़ के लिए सारी सामग्री है, ठीक है। अगर आपको एक बीघे के लिए बनानी है तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए सारी चीजों को, तो उतना आपको आ जाएगा, ठीक है, उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज़ें, अगर आपको ज़्यादा लग रही हैं, अगर आपके वहाँ कम जमीन है या 1 बीघा है ना,
एक बीघे हैं, 2 बीघे हैं, उससे भी कम है, तो आप उसी को हिसाब से आप इसको कम कर दीजिए। एक देखिए, 1 एकड़ में 5 बीघा होते हैं और उसमें और 1 एकड़ में 10 कनाल होते हैं। अलग अलग तरीके हैं किसी चीज को बताने के लिए। स्प्रे करने की बात आई तो अभी क्या करना है कि 200 लीटर पानी लेना है हमने, और उसमें 8 लीटर, 6 से 8 लीटर अर्क को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दशमरणी अर्क को। तो मान लो आपका अगर 20 लीटर का पंप है पानी का, या 15 लीटर का है, 15 लीटर में डलेगा 600 ml, 15 लीटर में डलेगा 600 ml ये अपना दशपर्णी अर्क। मान लो जैसे 200 लीटर पानी चाहिए, 8 लीटर, 8 लीटर अर्क 15 लीटर का है, तो 8 बाय 200 × 15 तो आप लगा लीजिए, आप 0.6 अरब वही आ गया, 0.6 लीटर आ रहा है, तो 600 ml आ गया। ठीक, अभी ये पता तो लग गया कि 15 लीटर में 600 ml डालना है हमें दशपर्णी अर्क। अब इसको स्प्रे कर दो। आप कब करना है स्प्रे? आपको ये दोपहर के बाद ही कर सकते हैं। अब इसको दोपहर के बाद करिए तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी तत्व हैं, अगर ज़्यादा तेज धूप हुई तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और टूट जाते हैं, और उसका असर वैसा नहीं रहेगा। ठीक, तो आपको शाम के वक्त स्प्रे करें तो बेहतर रहेगा, जिस टाइम पे ज़्यादा तेज़ धूप ना हो, तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। कहने का मतलब यही है। दशपर्णी अर्क को घोलते समय आपको नाक पर रुमाल रख लें, ये आपका सेफ्टी मेजर हो गया या सावधानी हो गई। ठीक है, और दशपर्णी अर्क को बनाने के दौरान या भंडारण स्थान को बच्चे तथा गाय बैल इत्यादि की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि ये तेज होता है काफी। इसमें मिर्चे विर्चे डली हुई है, या लहसुन लहसुन डला हुआ है, ठीक है, तंबाकू पाउडर है, ये सारी चीजें बड़ी तेज है। ये गाय बैल या बच्चों से इनको दूर रखना है। और आप इसको कब तक भंडारण कर सकते हैं? 6 माह तक अभी कहीं नहीं जा रहा, 6 एक्सपायरी डेट है, वो 6 महीने ज्यादातर किसी फसल की अवधि होती है जो हमारे इंडिया में लगाते हैं। तो एक बार आपने बना लिया दशपर्णी अर्क, बस तो फिर 1 महीने के लिए, मतलब 6 महीने के लिए आराम है, बार बार इसको बनाने की जरूरत नहीं है 1 एकड़ के लिए। तो दोस्तों, अभी दशपर्णी अर्क के बारे में आपको देख लिए, पूरा बता दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल है इसके बारे में, बेझिझक पूछिए, कोई चक्कर नहीं है। अब आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आया फिर भी पूछिए, क्योंकि अगर समझ नहीं आया तो इसमें कोई ना कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी, मुझे तरीका नहीं आया आपको समझाने का। ठीक है, आप पूछिए, कमेंट कीजिए, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या नहीं, इसमें अगर और इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो आप लिखिए, उसमें कमेंट कर दीजिए किसान। और अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है, इसमें है कुछ दम, तो आप इसको शेयर कीजिए अपने किसान भाइयों के साथ, अदर जो भी आपके दोस्त हैं, किसान भाई हैं, जिनको ये इस इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी है, मतलब उसको फायदा हो सकता है इससे, तो आप शेयर कीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, तो नमस्कार, ठीक है। Of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, sin.